BASPCL पापा के इस सपने को पूरा नहीं कर पाई दीपिका। सुपरहिट फिल्मों से बटोरी धड़ाधड़ सुर्खियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बर्थडे के पहले से ही एक्ट्रेस की केक कटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर रात 12 बजे से ही फैंस एक्ट्रेस को बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक्ट्रेस के फैंस उनके बर्थडे पर अपने अपने अंदाज में उन्हें विश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बर्थडे पर उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। दीपिका के पिता एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। अपने पिता की तरह ही दीपिका पादुकोण भी बैडमिंटन में काफी एक सफर रही हैं। बता दें, एक ट्रेस नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। दीपिका के पापा का सपना था कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर बने, लेकिन दीपिका इसमें अपना करियर न बना सकी। एक्ट्रेस ने मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। एक्ट्रेस ने अपनी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में की। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी बाकी की पढ़ाई माउंट कैरमल कॉलेज से पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए दीपिका ने मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस को बॉलीवुड फिल्मों में ऑफर आने शुरू हो गए। एक्ट्रेस ने पहली हिंदी फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में दीपिका सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ नजर आई। शाहरुख के साथ दीपिका की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म से सुपरहिट साबित होने के बाद एक्ट्रेस को एक से एक बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। बता दें, दीपिका को ओम शांति ओम से पहले हैप्पी न्यू ईयर फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन किसी की वजह से ये फिल्म बन नहीं पाई और दीपिका ने ओम शांति ओम को ही साइन कर लिया। साल 2008 में दीपिका की बचना ए हसीनो फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म से एक्ट्रेस ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने साल 2006 से अपने करियर की शुरुआत कर अभी तक एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें से एक हैं गोलियों की रासलीला, रामलीला, लव आजकल, हाउसफुल, चांदनी चौक टू चाइना, चेनी एक्सप्रेस और पीकू। कई फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दीपिका ने फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए।